पूरे मुल्क में तहरीक चालू हुई है, जिसकी शुरुआत दिल्ली में शाहीन बाग की बहादुर महिलाओं ने की। पचासों शाहीन बाग बन गए, लाखों लोग सड़कों पर आ गए, तो उससे डेफिनेटली मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। यही अमित शाह है जो बोला करता था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले CAA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर जब शाहीन बाग और उसकी तर्ज पर पूरे मुल्क में तमाम आंदोलन खड़े हो गए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम NRC नहीं लेके आएंगे, CAA आएगा, NRC आएगा, NRC नहीं लेके आएंगे। मगर चालाकी से झूठ बोलते हुए, तमाम धमकियां देते हुए, बीच में बहुत साजिशाना तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि 1 अप्रैल 2020 से NPR लागू करेंगे। उसके जवाब में लोगों ने कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हालांकि कागज नहीं दिखाने का रिकॉर्ड इन्हीं का है। मोदी जी से पूछा गया कि भाई आपकी डिग्री कहाँ है, उनका कागज नहीं दिखाएंगे, तो जनता ने भी कहा हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो फिर उस पर इन्होंने चालाकी करते हुए क्या कहा कि ठीक है हम आपसे कागज नहीं मांगेंगे, आपको NPR में जो फॉर्म भरना, आपको NPR के फॉर्म में जो सवाल भरने होंगे वो भर दीजिएगा। तो हम उनसे पूछ सकते हैं वापस कि अगर आपको लगता है कि कोई भी सवाल हम छोड़ सकते हैं, कोई भी सवाल भर सकते हैं, तो आप NPR वापस ही ले लीजिए, लाए क्यों रहे हैं, है ना। तो ये इनकी साजिश है, इनका फरेब है, जिसके चक्कर में हमें फंसना नहीं चाहिए। और इसकी शुरुआत असल में 2003 से होती है, जब इन्हीं संघियों की सरकार उस समय भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब ये लोग नागरिकता कानून 2003 लेकर आए थे, जिसका रूल नंबर 4 बिल्कुल क्लियर कट कहता है कि NPR ही पहला स्टेप है NRC का, ठीक है। इसके तहत ये लोग करने क्या वाले हैं, ये लोग 3 लेवल पे ऑफिशियल अपॉइंट करेंगे। इसमें सबसे ऊपर होगा वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, सेकेंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का रजिस्ट्रार आएगा, थर्ड लेवल पे तहसील लेवल का आएगा। तहसील लेवल का जो रजिस्ट्रार होगा वो वही NRC फॉर्म तैयार करने की उसकी जिम्मेदारी है, NRC की लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है। उसमें अगर किसी का नाम नहीं आया तो आप उसके पास अपील करेंगे, फिर वो 90 दिनों का या उससे ज्यादा भी टाइम ले सकता है फाइनल क्लियरेंस करने के लिए। उसमें भी अगर आपका नाम नहीं आया तो 30 दिन का टाइम होगा ऑब्जेक्शन करने के लिए, और उसमें भी नाम नहीं आया तो फिर वो क्लियर करके वो जिला रजिस्ट्रार को दे देगा। जिला रजिस्ट्रार के पास आप अपील करेंगे, फिर वो 90 दिनों का टाइम लेगा, और अगर उसमें भी आपका नाम नहीं आता है तो जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बना है फॉरनर्स के लिए, आपको वहां अपील करनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसी समय से एज फॉरनर ट्रीट किया जाएगा। और वहां पर भी अगर आप क्लियर नहीं हुए तो आपको फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर पूरी जिंदगी काटने पड़ेंगे शायद, और वहां से भी क्लियरेंस नहीं मिली तो फिर आपको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। डिटेंशन सेंटर का मतलब क्या है, वो अभी असम में डिटेंशन सेंटरों में क्या चल रहा है वहां से समझा जा सकता है। खुद सरकार के मुताबिक, जो कि डेफिनेटली वो कम करके बताते हैं, खुद सरकार के मुताबिक वहां के डिटेंशन सेंटरों में 30 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। बहुत बदतर हालात में रहना और बहुत नारकीय हालातों में काम कराया जाना, उसका एक ही मतलब है, गुलामी और मौत। तो हमें सरकार की इन तमाम झूठ और फरेब को समझते हुए यहाँ पे जो किया जा सकता है वो यही कि हम सिविल नाफरमानी करें और हम साफ साफ NPR का फॉर्म भरने से मना कर दें। उसकी पहचान क्या है, जो जनगणना का फॉर्म होता है या हुआ करता था उसमें 13 सवाल होते हैं, इस बार ये लोग कुछ नए सवाल लेकर के NPR में 21 सवाल लेकर आएंगे, जिसमें तमाम जो नई जानकारियां मांगी गई हैं उसमें 3 खास चीजें जो हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि आपके माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ था, किस तारीख को हुआ था, और आप इससे पहले कहाँ रहते थे। इन सवालों का और कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि आप इन्हीं के बेसिस पे NRC तैयार करना चाहते हैं। तो हम लोगों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि NRC जैसी कोई दूसरी चीज कभी बाद में आएगी, ये NPR के बेसिस पे ही NRC तैयार करेगी। तो ये जो इनकी हिटसरी चाल है इस मुल्क की कौमी एकता को बर्बाद करने की, इस मुल्क में माइनॉरिटीज को, खासकर मुसलमानों को टारगेट करने की, उसे हमें कौमी एकता को और मजबूत बनाकर इन्हें जवाब देना होगा, जो कि अभी मिल भी रहा है। पिछले 2 दिनों में जो हुआ है दिल्ली में वो असल में इनकी बदहवासी दिखाता है, वो इनकी हार दिखाता है, वो इनका डेस्परेशन दिखाता है कि कैसे जैसे जैसे जनता का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे और डेस्परेट होते जा रहे हैं, इनके हमले और तेज होते जाएंगे। मगर यही प्रिसाइसली यही वक्त है
जहां हम लोग को अपनी तहरीक और तेज करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि बीजेपी ये फैलाने में बहुत सक्सेसफुल हो गई है कि ये केवल और केवल मुसलमानों का मसला है, इससे केवल मुसलमान प्रभावित होंगे। ये मुसलमान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, वो भी गरीब मुसलमान, लेकिन इससे किसी भी कौम के, किसी भी जाति के जो भी गरीब लोग हैं वो सब भी प्रभावित होंगे। और इसकी एक वानगी क्या है, अभी असम में जो NRC हुआ है वहां पर 19 लाख लोगों में 13.5 लाख लोग वो गैर मुस्लिम हैं, मेजॉरिटी उसमें हिंदू है। उसमें भी इन्होंने गिमिक क्या चलाया अभी कि एक रिसेंटली इन्होंने अभी तक जितने लोग जेलों में हैं, डिटेंशन सेंटर्स में हैं, उसमें से गैर मुस्लिम्स को बाहर कर दिया है। ये इनका एक इलेक्ट्रल गिमिक है, ये बताने के लिए कि हम हिंदुओं के बहुत पक्षधर हैं। तो हमें ये समझना होगा कि असल में जो भी गरीब आवाम है, किसी के पास अपना खुद, कई लोग यहाँ पे तो अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते, तो अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ, वो कहाँ रहते थे, ये सब कैसे बताएंगे। और इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये जो तमाम टाटा अंबानी अडानी इनकी कंपनियां हैं, इनकी फैक्ट्रियों के लिए ये लोग फ्री में काम कराने का लेबर चाहते हैं, जो कि कभी नाजी जर्मनी में हो भी चुका है। फोक्सवैगन जैसी कंपनियां वहां पे कैसे ज्यूस से काम कराती थी। तो इस हिटलर शाही का एक ही जवाब है कि हम लोग आम आवाम के पास जाएं, हर धर्म के, हर जात के लोगों के पास जाएं और उनको ये समझाएं कि कैसे ये हम सभी का मसला है। और अगर केवल मुसलमानों का मसला होता तो भी ये कौमी एकता का मसला है, ये इंसानियत का मसला है। और इसलिए हमें इस मूवमेंट पे सिविल नाफरमानी की शुरुआत करनी चाहिए, जो कि पूरे देश में चल भी रहा है। हमें इस आंदोलन के तहत फॉर्म भरने से NPR का साफ साफ मना कर देना चाहिए, उसके लिए जुर्माना लेंगे 1000 रुपए, हमें उससे मना कर देना चाहिए। हमें साफ बोलना चाहिए कि हम जेल भरेंगे, ये कितनी जेलें भरेंगे, इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, है ना। इस देश की मेहनतकश आवाम जिसकी आबादी 70-80 करोड़ है, इतने सारे लोग अगर फॉर्म भरने से मना कर दें तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, अंत में इन्हें वापस लेना पड़ेगा। तो इसी बात से ख़त्म करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे जो भी हम तमाम स्टूडेंट्स हैं OU में, IFLU में या बाकी कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सड़कों पर निकलें, लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, पैम्फलेटरिंग करें, क्योंकि वो चीज़ अभी हैदराबाद में कहीं ना कहीं कम हो रही है।